वेलकम बैक टू द चैनल। एंड यहाँ पे अगेन मैं दो ऐसे प्रीमियम क्वालिटी वाले स्मार्ट वॉचेस लेके आया हूँ, बेसिकली सैमसंग के तरफ से, जो कि है वॉच 4 क्लासिक LT46mm एंड गैलेक्सी वॉच FE। तो यहाँ पे मैं आपको डिनोट करने वाला हूँ क्लासिक एंड FE के थ्रू। अगर मैं कहूँ LT कहूँ तो समझ जाइएगा कि वॉच 4 क्लासिक, एंड FE कहूँ तो समझ जाइएगा कि गैलेक्सी वॉच FE। दोनों के जो प्राइसिंग है 10,999 रुपये हैं। तो फिर क्यों मैंने जो है FE को कहा जो है बेटर है, जो कि अकॉर्डिंग टू क्लासिक LTE 4 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं सॉलिड रीजन प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप हार्ड कोर यूजिंग्स के लिए ऐसे कुछ स्मार्ट वॉचेस ढूंढ रहे हैं ना, जो कि प्रीमियम क्वालिटी के हो, तो ये दो तो बेस्ट हैं ही। इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें, अच्छे लगे तो लाइक शेयर कीजिए, एंड हमारे गिव अवे एक्सेट्रा में पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। सो गाइस, यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऑल ओवर जो ब्रांड सैमसंग्स नेम्स हैं, जो भी इसके फंक्शनलिटी है। तो देखिए, जो दोनों के दोनों जो है सैमसंग की तरफ से आ रही है गैलेक्सी वॉच 4, एंड दोनों में जो है सिम इनेबल आपको ऑप्शन मिल जाती है। बेसिकली दोनों जो है यहाँ पे आपको राउंड शेप में मिल रही है। एंड वेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे LT जो है 40 क्लासिक जो है थोड़ी सी यहाँ पे वेटी है। यहाँ पे मैं क्लासिक और गैलेक्सी कहने वाला हूँ, ठीक है। क्लासिक जो है यहाँ पे आपको 42-52 ग्राम के अप्रोक्स में जो है, एंड गैलेक्सी जो है उसे थोड़ी लाइट वेटेड है, 30 ग्राम। दोनों सर्कल शेप में है, वाटर रेजिस्टेंस के साथ में आ रही है, IP68। वाटर रिलेटेड एक्टिविटी दोनों में कर सकते हैं। दोनों में यहाँ पे आपको देख सकते हैं दो पुशर्स बटन मिल जाते हैं ऑपरेशनल्स के लिए। बट एक वेजल फ्री एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे गैलेक्सी में थोड़ी मुझे अच्छी लगी है, जो कि अट्रैक्टिव लुकर निकल के आ रही है। एंड प्रीमियम क्वालिटी की आपको सिलिकॉन बेस्ड स्ट्रैप्स की ऑप्शन मिल जा रही है। बात करें डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में देखिए दोनों में आपको कलर एमोलॉयड डिस्प्ले मिल रही है, सुपर एमोलॉयड, जो कि मल्टीपल टच फंक्शनलिटी के साथ में 1.4 इंचेस की दोनों में आपको स्क्रीन मिल जाती है। दोनों का जो रेजोल्यूशन है 450x450 है, एंड PPI जो है 364 है। दोनों में कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास DX की प्रोटेक्शन मिल रही है, तो काफ़ी रफ एंड टफ यूजर्स के लिए ये होने वाली है। टूटने फूटने का जो है मिनिमाइजेबल आपको ऑप्शन हो जाएगा। बात करें इंटरनल जो स्टोरेज है, तो दोनों में 1.5 GB की रैम मिल जाती है, साथ ही साथ 16 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पे आप अपने म्यूजिक एक्सेट्रा को स्टोर करके जब चाहे जहाँ पे भी हो इंजॉय कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, तो दोनों में जो है आपको वाईफाई ऑप्शंस मिल जाती है, एंड ब्लूटूथ वर्सन जो है लेटेस्ट 5.1 पर रन कर रही है। दोनों में आपको 4G की ऑप्शंस मिल जाती है, तो एक फास्ट कनेक्टिविटी के साथ में यहाँ पे आप इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। रही बात यहाँ पे अदर फंक्शनलिटी की बात कहूँ, तो देखिए दोनों में आपको NFC पेमेंट्स ऑप्शंस मिल जाती है, एंड दोनों में आपको इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर्स मिल जाती है। सॉरी, यहाँ पे आपको ES करना भूल गया था। एंड दोनों में जो आप हैजल फ्री कनेक्टिविटी के साथ में जो है कॉलिंग्स कर पाएंगे। रही बात यहाँ पे ऑल ओवर इसके जो सिस्टम की, तो यहाँ पे जो है दोनों एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है, जहाँ पे जो है एक्सनॉक्स W920 के साथ में CPU आ रही है, एंड दोनों में 1.15 GHz की स्पीड में आ जा रही है, तो काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस एंड स्मूथनेस के साथ पे आने वाली है। बात कर ले अगर यहाँ पे इसके बैटरी बैकअप्स की, दोनों में 361 mAh की नॉन रिमूवल लियोन बैटरी मिलती है। तो दोनों का जो एप्रोक्स यूजिंग जो है ना, मैं यहाँ पे बैटरी में सेम कहूँगा, जो कि डिपेंड करेगी आपके यूजर्स के ऊपर। यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में हार्ट रेट, स्पोर्ट टू, पेडोमीटर, स्लीप मॉनिटर, रिमाइंडर ऑप्शंस मिल जाती है। इसके अलावा जो है मीटर एंड सेंसर्स की बात कहूँ, तो दोनों में देखिए कैलोरीज काउंट्स जो है एक्सलोरोमीटर, बैरोमीटर, गीजोमीटर सेंसर्स, एंड यहाँ पे जो है जियो मैग्नेटिक सेंसर्स मिल जाती है, लाइट सेंसर्स मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल हर्ट एंड बायो एक्सेट्रा जो है एनालिसिस मिल जाती है। एंड दोनों में अलार्म, स्टॉप वॉच, टाइमर, रिमाइंडर एक्सेट्रा जो है ऑप्शंस मिल जा रही है, कैलकुलेटर एक्सेट्रा है, जो कि आपके हैसल फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाली है। एंड इसके अलावा जो है आपको बहुत सारे अदर नोटिफिकेशन ऑप्शंस एक्सेट्रा, स्टॉप वॉच, टाइमर, रिमाइंडर मिल जा रही है। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे मैं कंक्लूजन की बात कहूँ, तो दोनों में से कौन सा बेटर रहता है। देखिए जो लुक्स जो है मुझे बेटर प्रोवाइड लग रही है, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी वॉच FE में, एंड यहाँ पे रफ एंड टफ यूजर्स के लिए है। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये मिरर में आपको थोड़ी सी यहाँ पे उठी हुई एजेस आपको देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे फ्लैट डिजाइन जो है वॉच 4 में मिल रही है, जो कि इसके लुक्स को काफी अट्रैक्टिव बना रही है एमोलॉयड डिस्प्ले के साथ में। इन दोनों में से आपको कौन सा बेटर लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ।